हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम एक और एक्सरसाइज करेंगे पार्टिसिपल्स की। उसमें क्या किया था हमने, प्रीवियस में आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम पार्टिसिपल को कंबाइन करके, पार्टिसिपल का यूज़ करके सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। तो मुझे लगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसीलिए ये वाली एक्सरसाइज मैंने ऐड कर दी। तो लिखते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ पार्टिसिपल्स, ठीक है। यहाँ पर ये पहले प्रीवियस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो लिखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। सो ये वही कह रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि कंबाइन करना है। अभी पेयर ऑफ सेंटेंसेस मैं लिखवाऊंगी क्वेश्चन में, उनको क्या करना है, कंबाइन करना है किसका यूज़ करके, पार्टिसिपल्स का यूज़ करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपना, जैसे वी मेट अ बॉय। सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है, सेकंड पेयर ही was carrying a heavy bag। तो इसमें क्या बात कही गई है, इसमें कह रहा है कि we met a boy, he was carrying a heavy bag। हमें एक लड़का मिला। सेकंड क्या कह रहा है, वह एक भारी बैग ले जा रहा था, ही वॉज कैरिंग अ हैवी बैग। तो अब हमें क्या करना है, इसको कंबाइन करना है बाय यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। तो कैसे करेंगे, वी मैट अ बॉय, फर्स्ट सेंटेंस देखिए एज इट इज लिखा है। फिर क्या करेंगे, किसकी बात हो रही है, बॉय की ही, तो यहाँ पर बात हो रही है कि वो भारी बैग ले जा रहा था, तो इसको हम ही वॉज जो है इसको हटाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, कैरिंग अ हैवी बैग, वी मेट अ बॉय कैरिंग अ हैवी बैग। तो इसमें पार्टिसिपल क्या था, कैरिंग, ठीक है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द हाउस वॉज डेकोरेटेड विद लाइट्स, द हाउस वॉज डेकोरेटेड विद लाइट्स, इट लुक्ड ब्यूटिफुल। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि द हाउस वॉज डेकोरेटेड विद लाइट्स का मीनिंग है कि घर को लाइट से सजाया गया था, इट लुक ब्यूटिफुल, यह सुंदर लग रहा था। तो इसमें भी किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो इसमें अगर हमें देखना पड़े कि पार्टिसिपल कौन सा है, तो सबसे पहले पार्टिसिपल क्या है इसमें, डेकोरेटेड। हमें डेकोरेटेड का यूज़ करके, पार्टिसिपल का यूज़ करके क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कैसे करेंगे, डेकोरेटेड हाउस डेकोरेटेड विद लाइट्स, द हाउस लुक्ड क्या, ब्यूटिफुल। क्या कह रहा है, डेकोरेटेड विद लाइट्स द हाउस लुक ब्यूटिफुल।
लाइट से सजा हुआ घर सुंदर लग रहा था। तो हमने किसका यूज़ किया? डेकोरेटेड का, पार्टिसिपल का यूज़ किया। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखते हैं। इट बीइंग अ फाइन डे, नहीं ये वाला रहने दीजिए। थर्ड सेंटेंस लिखते हैं जैसे कि वी मेक सम फ्रेंडशिप्स इन चाइल्डहुड। फिर सेकंड क्या कह रहा है? दे लास्ट फॉरएवर। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि हम चाइल्डहुड मतलब बचपन में कुछ दोस्ती करते हैं, और सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है? दे लास्ट फॉरएवर, वे हमेशा के लिए बनी रहती हैं। बचपन की दोस्ती होता है ना, बचपन के दोस्त हमेशा दोस्त रहते हैं, तो इसी बात को कहा गया है। इसको हमें कंबाइन करना है बाय यूज़ ऑफ, किसका यूज़ करके? पार्टिसिपल्स का यूज़ करके। तो कैसे हो जाएगा? देखिए, फ्रेंडशिप्स मेड इन चाइल्डहुड लास्ट फॉरएवर। आप देख रहे होंगे कि जिस इसमें सेंटेंसेस में जब हम जब कंबाइन नहीं किया होता तो एक जिसकी बात हो रही होती है उसी को प्रोनाउन की तरह यूज़ किया जाता है दूसरे सेंटेंस में, तो उसमें हम दूसरी वाली बात जो होती है उसका रिमूव करके एक ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट लगाकर पूरी बात कह देते हैं। तो फ्रेंडशिप्स मेक को क्या किया हमने यहाँ पे? चेंज किया है किसमें? मेड में। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। द डोर ओपन, सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है? आई वेंट इनसाइड, मैंने दरवाज़ा खुला पाया। आई वेंट इनसाइड क्या कह रहा है? मैं अंदर गया। तो अगर हम इन दोनों सेंटेंस की को कंबाइन कर देंगे पार्टिसिपल्स का यूज़ करके तो कैसे बनेगा? फाउंड, फाउंड का क्या बन जाएगा? फाइंडिंग। पार्टिसिपल में क्या होता है? आई एन जी एड होता है इसमें भी। तो फाइंडिंग द डोर ओपन, आई वेंट इनसाइड। ठीक है, ऐसे ही एक सेंटेंस और देख लेते हैं, फिफ्थ। ही क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। सेकेंड सेंटेंस क्या लिखा है? ही रश्ड एट द थीफ। तो ये क्या लिखा है? ही क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस।
वह अपनी पूरी आवाज में रोया, मतलब जितना तेज वो रो सकता था वह अपनी पूरी आवाज में रोया। ही रश्ड एट द थीफ, वह चोर की ओर रश्ड मतलब दौड़ा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे पार्टिसिपल का यूज़ करके तो कैसे हो जाएगा, क्या हो रहा है यहाँ पे, रोने का मतलब वर्ब क्या है, रोना, क्राइड, तो इसको क्या कर देंगे, क्राइंग, क्राइड का क्या होगा, क्राइंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस ही रश्ड एट द थीफ। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने दूसरा क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन किया था जिसको कंबाइन करना था पार्टिसिपल का यूज़ करके। तो इसमें क्या था कि जिसमें आईएनजी लगा है उसी का यूज़ करके हमें सेंटेंस को कंबाइन करना है। किसी में क्या था कि हमें आईएनजी के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। इसमें क्या था, द हाउस वॉज डेकोरेटेड विद लाइट्स, इट लुक ब्यूटीफुल। तो क्या हमने डेकोरेटेड जो पार्टिसिपल है इसमें उसी को ही यूज़ करके, हमने सेंटेंस को कंबाइन किया। ठीक है, ऐसे ही थर्ड में क्या था कि मेक फ्यूचर के, वो प्रेजेंट की बात हो रही है, हमने इसको क्या बनाया, पास्ट में बनाया। फाउंड था ये वर्ब, इसमें क्या किया, फाइंडिंग। और लास्ट क्या था कि क्राइड, क्राइड को अगर हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो क्या बनता है, क्राइंग। तो इसी तरह हमने देखा पार्टिसिपल्स को कैसे कंबाइन किया जाता है उनका यूज़ करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।